आप सभी को सुप्रभात। मैं हिमांशु सर आप सभी दर्शकों, अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को अपने इस YouTube चैनल स्टडी ट्रिप की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज कक्षा 9 का यानी कक्षा 9 का विषय हिंदी और हिंदी का जो है हम लोग का क्षितिज बुक है यानी पुस्तक का नाम क्षितिज है ये चल रहा है और इसमें हम लोग का पार्ट 7 है। पार्ट कितना है? 7 यानी पार्ट 7 लेसन 7। पार्ट 7 से पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 एंड पार्ट 6 का हम लोगों ने समझते हुए अंत किया था। अब हम लोग का है पार्ट 7 और पार्ट 7 में हम लोग के जो शीर्षक है वह है मेरी बचपन के दिन। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के दिन को याद किया है और कुछ उसी पे लिखा है और बताया है। और इसके लेखिका कौन है भाई, इसके राइटर कौन है? तो इसके लेखिका है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा जी ने इस मेरे बचपन के दिन को लिखी हुई है और इसमें अपने बचपन के दिन में उन्होंने बहुत कुछ बताया है और उसके साथ साथ भारतीय नारियों के लिए बहुत सारे अथक प्रयास उन्होंने किया है। उसी अथक प्रयास का इसमें वर्णन किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग इसका पात्र परिचय कर अपने लेखिका का यानी महादेवी वर्मा जी का पात्र परिचय करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझते चलेंगे, देखते चलेंगे। और ये कहानी ज़्यादा लंबा नहीं है, कुछ ही लंबा है और फिर इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप इसका क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। मैं इस कहानी को बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया है, तोड़ के समझाया है, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी आए इस वीडियो को देखने में तो थोड़ा सा भी किचकिच नहीं, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई वो जल्द ही दिया जाएगा आपको। ठीक है, देखिए इस कहानी को अब हम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग लेखिका का पात्र परिचय करते हैं, महादेवी वर्मा जी का। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। सन 1987 में उनका देहांत हो गया यानी मृत्यु हो गई। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था 1907 में और मृत्यु कब हुई, तो 1987 में। महादेवी जी की छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। ठीक है, छायावाद जो कवि हैं तो महादेवी जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी हैं जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के ये प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अच्छे करुणा ये प्रकट हुई है। उनकी भाग्य शैली सरल एवं स्पष्ट है
तथा शब्द चयन महत्वपूर्ण और चित्रात्मक है। मेरे बचपन के दिन जो ये शीर्षक हैं, जो ये कहानी है, तो मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे यानी यादों के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों को बहुत ही सजीव वर्णन है। उसी का ये मतलब वर्णन है, जब वो पढ़ रही थीं तो उसी चीज़ का मेरे बचपन के दिन में इन्होंने वर्णन किया है। देखिए, चलते हैं, इस कहानी को अब हम शुरू करते हैं। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। मेरे परिवार में, ये कौन कहता है बात, तो ये महादेवी वर्मा जी जो लेखिका हैं, ये बोल रही हैं कि मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे, यानी उनको लोग मार देते थे, ठीक है। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, वो तब वे अपने साथ हिंदी लाई। मेरी माता जो हैं जबलपुर से आई तब वो अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र ये पढ़ना सिखाया। कौन? माता ने, माने माँ ने। बाबा कहते थे हमको एक विदुषी बनाएंगे। बाबा कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा। मैंने संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूँ, लेकिन वह मेरे बस में नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। मैं थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरा थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्थविट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं पाँचवें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं। हम लोगों का एक ही मेस था, माने खाना खाने वाला जो मेस था वो होता है। उस मेस में मैं प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम चार छात्राएं रहती थी, माने एक रूम में हम लोग चार छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। सातवें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थीं। वे कविता लिखती थी और मैं बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद की गाती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। जो उनकी माँ थी वो मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी।
सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी ये बन बोले यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुन कर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी और प्रतिष्ठित हो चुकी थी, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तुम मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबें की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, है ना। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा। कौन? सुभद्रा कुमारी जी ने। और पूरे हॉस्टल में मैं दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई और क्रास्ट वेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। स्त्री दर्पण उसी में भेज देते थे, अपनी तुक बंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार हना चलता था, कवि सम्मेलन होते थे और क्रास्ट वेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे, कभी हरि औज की जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था, है ना। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिला था, 100 से कम पदक मिले होंगे उसमें, 100 से कम पदक मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नुकासीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी, सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैं उनसे आकर कहा कि देखो यह मिला है। सुभद्रा ने कहा, ठीक है अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। जो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं वो भी एक लेखिका थी, उनकी दोस्ती हो गई और वो जब यह कटोरा देखी चांदी का तो अपना बोली कि अब तुम खीर बनाओ और इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग तब अपने जेब खर्चे में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे, यानी देश के लिए। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया, यानी गांधी जी को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखाओ तुम मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया और उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कि कविता क्या है। दुख यह होता है कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैं सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने, है ना। फिर बोली, देखो भाई खीर तो तुमको बनानी ही होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। मुझे भी फिर भी
मुझे मन की मन ही मन ये प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैं बापू को दे दिया, यानी बापूजी उनका कटोरा ले लिए, वो देखने के लिए दी और बापूजी उनका कटोरा ले लिए। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिशा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। जो जेबुन थी, जो लड़की आई थी, वह मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जिनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जिसे टोके बिना न रहा जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोली है ना। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियाँ थीं वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं, ठीक है। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ की चच्ची जान कहते थे। हमारी जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे। उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन जो बहने हैं राखी बंध जाए जब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, ठीक है। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है, राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहाँ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें। नेक का मतलब पैसा जो है, जब लड़का होता है तो नेक होता है ना, तो नेक ये ठीक करके रखें। मैं शाम को आऊँगी, वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी और कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वहीं प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर
रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह कि मेरे छोटे भाई का नाम वहीं चला जो ताई साहिबा ने दिया, मतलब ताई साहिबा ने उनका नाम रखा। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे, मतलब नज़दीक थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो इस प्रकार यह जो कहानी है, यह हम लोग की कहानी ख़त्म हुई। और इस कहानी में महादेवी वर्मा जी ने अपनी बचपन की बातें बताई है, वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार था। ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा, समझिएगा इस कहानी को। इसके बाद इसका ये क्वेश्चन आंसर आप अपने पेपर कॉपी पे बनाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।